हेलो गाइस, सो दिस इज लेक्चर नंबर 70 फ्रॉम क्लास इलेवेंथ फिजिक्स और इस लेक्चर में हम आई टी जेई के एक आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टॉपिक है सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कोलेन तो चलो स्टार्ट करते हैं सो so क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट टू स्मॉल पार्टिकल्स जैसा कि हमें दिख रहा है सपोज दिस इज पार्टिकल वन एंड दिस इज पार्टिकल टू लेट इस टेक एंड ऑफ इक्वल मासेज देर हैविंग इक्वल मासेज सपोज कर लेते हैं मास एम है और इसकी भी मास है स्टार्ट मूविंग इन मासविंग ऑपोजिट डरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए सो दिस इज बेसिकली पॉइंट है और ये दोनों अपोजिट डरेक्शन में मूव कर रहे हैं जैसे हमें दिख रहा है इस फिगर में इन हॉरिजॉन्टल सर्कल है ऑर्बिट दिस इज बेसिकली यह सर्कल और ये जो सेकंड मास है वो बेसिकली ऐसे मूव करेगा लाइक दिस बिकॉज ऑफ इज इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ टू वी दैट इज टेंजेंशियल एट पॉइंट है like this, 2V, is, और जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी भी सेम मास है मास है, है और वो लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव करेगा विद वसिटी वी इनिशियल वेलासिटी वी है और उसकी कर्वेचर कुछ इस तरीके से होगी ट्रोजेक्ट्री जो होगी कह रहे हैं टेंजेंशियल वे जैसे कि मैं दिख रहा है दे आर वी एंड टू वी रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर बिटवीन कोलेशन द पार्टिकल मूव विथ कॉन्टेंट स्पीड सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कोलेन होगी क्यों होगी आपको सोचना है बिकॉज जब ये पार्टिकल विदोसिटी टू वी पार्टिकल टू एंड पार्टिकल वन विद वेलॉसिटी वी मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा सर्कल में लाइक दिस और ऐसा ट्रैवल करता करते किसी एक पॉइंट पे जाएगा और उस पॉइंट पे सपोज करो दिस इज पॉइंट बी तो यहाँ पे उसको कुछ टाइम लगेगा पार्टिकल टू को पहुँचने में और उतने टाइम पे ही सपोज करो करोगे जो फर्स्ट पार्टिकल है हमारे पास वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा दैट इज़ पॉइंट बी तो उन दोनों में टक्कर होगी एंड दैट इज़ बेसिकली द कोलेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट तो ये कह रहा है कि कोलेशन के बीच में जो स्पीड्स होंगी वो कॉन्स्टेंट होगी इन पार्टिकल्स की एंड द क्वेश्चन इज़ लाइक आफ्टर मेकिंग हाउ मेनी इलास्टिक कोलेशनस ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो भी कॉलेशन हो रही है वो इलास्टिक कोलेशन हो रही है अदर देन एट ए ए पे जो क्वाल हुई उसके अलावा कितने इलास्टिक क्वाल होगी जब ये पार्टिकल अगेन पॉइंट ए पे रीच कर जाएगा दैट इज बेसिकली क्वेश्चन एंड ऑप्शन है तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए बिकॉज ये थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पढ़ के अप्रोच करने में थोड़ा डिफिकल्ट ऐसा महसूस हो रहा है बट आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है सबसे पहले हम पार्टिकल वन कंसिडर करते हैं उसके बाद पार्टिकल टू कंसिडर करेंगे जो पार्टिकल वन की इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी वी और पार्टिकल टू की वेलोसिटी टू वी है इतनी टेंजेंशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और इन बिटवीन जो है इन बिटवीन कॉलिशंस वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी और यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर मोशन है दैट्स वी आर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में बात करनी पड़ेगी तभी एक सर्कुलर मोशन होगा और जो अल्फा होगा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली जीरो इन बिटवीन दोलेशन वाई बिकॉज इन बिटवीन द कलेन पार्टिकल्स आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड्स

वो क्या है डिस्टेंस ट्रैवल ये देखो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल टू भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल वन भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ही कॉलिशन होगी तो वो डिस्टेंस पे हमें फोकस करना होगा कि पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए पार्टिकल टू ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पार्टिकल वन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं पॉइंट बी पे दैट्स वाई टाइम विल बी इक्वल तो वहां से हमें कुछ अंदाजा मिलेगा कि पॉइंट बी एक्चुअली कितने डिस्टेंस पे जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे आफ्टर गोइंग थ्रू द इक्वेशन और उसको फ्रेम करने के लिए मैंने बताया टाइम के रिलेशनशिप से तो वहाँ से हमें कुछ डिस्टेंस का अंदाजा लगेगा कि पहले क्वालेशन से पहले कितना डिस्टेंस दिस, ट्रैवल किया है पार्टिकल टू ने और पार्टिकल वन ने देखो मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं सबसे पहले ओमेगा हमारे पास है तो पार्टिकल वन की वेलोसिटी जो है दैट इज वी अपॉन आर बिकॉज वेलोसिटी वी है तो वी अपॉन आर दैट इज बेसिकली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टी अब ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ मैं एक्चुअली well, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज कर रहा हूँ वेल हमें लीनियर वेलोसिटीज के लिए पता है दैट इज एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज फॉर द लीनियर मोशन बट एंगुलर मोशन के लिए जो एक्स है वो बेसिकली थीटा होगा एंड दैट थीटा विल बी इक्वल टू जो यू है दैट विल बी ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट वाई बिकॉज दिस इज बेसिकली द इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ

कुछ बी पे ट्रैवल किया है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट ये दोनों सेंस एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो अगर आप दोनों की ही थीटा को एडिशन करोगे सो दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉट दैट मस्ट बी इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्रीज बिकॉज एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है दैट इज थ्री सिक्सटी डिग्रीज दैट्स वाई इफ यू एड दिस एंड दिस देन यू विल गेट टू पाई तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको तो ये कुछ ऐसा होगा फॉर पार्टिकल वन दैट इज वी अपॉन आर सो वी अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस सेकेंड के लिए टू वी अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय टी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू टू पाई अभी मैंने बताया तो यहाँ से अगर टाइम टी हम निकाले so, सबसे पहले यहाँ पे एडिशन करेंगे तो द्री वी मल्टीप्लाइड बाई टी अपन आर दैट इज इक्वल्स टू टू पाई और टी कितना होगा हमारे पास दैट इज टू पाई आर अपॉन थ्री वी दैट इज बेसिकली द टाइम इतना टाइम लगेगा यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था ए पॉइंट पे और कुछ एक बी पॉइंट पे मोशन होगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे से टक्कर कर रही होंगी तो जो पार्टिकल वन है उसको यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करने में टी टाइम लगा और पार्टिकल वन को भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने में टी टाइम लगा बट जो थीटा होगा बेसिकली वो पार्टिकल वन के लिए वी अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टी होगा तो अभी हमारे पास स्मॉल टी है तो पार्टिकल वन के लिए अगर हम निकालें तो दैट इज टू पाई आर अपॉन थ्री वी ये कैंसिल आउट हो गया आर कैंसिल आउट हो गया दैट इज टू पाई अपॉन थ्री सो जो पार्टिकल वन है वो टू पाई अपॉन थ्री एंगल ट्रैवल कर रहा है ए टू बी जाने में एंड टू पाई अपॉन थ्री इज वॉट दट इज वन ट्वेंटी डिग्रीज सो वन ट्वेंटी डिग्रीज पार्टिकल वन ट्रैवल कर रहा है जिसकी वेलासिटी भी थी टेंजेंशियल वेलासिटी और पार्टिकल टू बेसिकली उसकी वेलासिटी टू भी थी तो वो कितना एक्चुअली एंगल ट्रैवल कर रहा है दैट इज टू वी अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टू बाई आर अपॉन थ्री वी तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया वी आर कैंसल आउट हो गया दिस इज फोर पाई अपॉन थ्री फोर पाई अपॉन थ्री इज वॉट दैट इज टू फोर्टी डिग्रीज तो ये टू फोर्टी डिग्रीज ट्रैवल कर रहा है दिस इज बेसिकली ट्रैवलिंग टू फोर्टी डिग्रीज तो पार्टिकल वन जो है उसको 240 फोर्टी डिग्रीज ट्रैवल करना पड़ रहा है और पार्टिकल टू को 120 ट्वेंटी डिग्रीज ट्रैवल करना पड़ रहा है बिफोर द फर्स्ट पे फर्स्ट कॉलिशन हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि पार्टिकल वन की वेलोसिटी जो है वो दोगुनी है पार्टिकल टू की वेलोसिटी से इसको बेसिकली मैं पार्टिकल वन माना था इसको इसको मैं बेसिकली पार्टिकल टू माना था तो पार्टिकल टू की वेलोसिटी जो है दैट दैट इज ट्वाइस ऑफ ऑफ वेलोसिटी एंड दैट्स जो पार्टिकल है वो टू फोर्टी डिग्रीज ट्रैवल कर पा रहा है बिकॉज उसकी वेलोसिटी डबल है और पार्टिकल वन वन ट्वेंटी डिग्रीज

यहां पे पार्टिकल वन की वेलोसिटी भी थी अब वो पार्टिकल टू की वेलोसिटी हो जाएगी भी और पार्टिकल टू की वेलोसिटी टू भी थी तो पार्टिकल वन की वेलोसिटी हो जाएगी टू वी लाइक दिस डायरेक्शन भी ऑपोजिट like हो जा जाएगी और मैग्नीट्यूड भी इंटरचेंज हो जाएगा तो अभी देखो पार्टिकल वन की वेलोसिटी टू भी हो गई और पार्टिकल टू की वेलोसिटी भी है तो यहां पे अगेन सेम फंडे से आप अगर थिटा निकालोगे जितनी पार्टिकल वन ट्रैवल करेगी जितनी पार्टिकल टू ट्रैवल करेगी दोनों को अगर एडिशन करोगे तो दैट विल बीको डू थ्री सिक्सटी डिग्रीज दैट इज टू पाई तो वहां से अगेन आप टाइम निकाल लोगे और वहां से अगेन आप जब डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस आई मीन थीटा तो अगेन कुछ सेम फंडा आएगा जो टू वी वाला है वो क्योंकि उसकी वेलोसिटी डबल है तो वो 240 फोर्टी डिग्रीज ट्रैवल करेगा और जो सेकंड है अब वो 120 ट्वेंटी डिग्रीज ट्रैवल करेगा तो यहाँ से ये कुछ यहाँ पे होगा जो सेकंड वाला है वो बेसिकली 120 ट्वेंटी डिग्री ट्रैवल कर पाएगा और जो फर्स्ट वाला है वो 240 फोर्टी डिग्रीज ट्रैवल कर पाएगा लाइक दिस सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो कोलिशन हो रही थी वो हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट से ये 120 ट्वेंटी डिग्री पे हो रही थी अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो अगर आप राइट right से देखोगे तो वो 240 फोर्टी डिग्रीज पे हो रही थी बट अभी जब फर्स्ट क्वालिशन के बाद देखो तो वन ट्रैवल करेगा 240 degrees. तो ये 120 डिग्री यहाँ तक हुआ वापस 120 ट्वेंटी डिग्री यहाँ तक हुआ तो यहाँ पे कॉलिशन होगी अभी यहाँ पे कॉलिशन होगी तो जो पार्टिकल वन है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा और पार्टिकल टू अभी यहाँ पे ही पहुंचेगा क्यों क्योंकि अभी पार्टिकल टू की जो वेलोसिटी है वो कम है दैट इज हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन तो जो पार्टिकल टू है वो 120 ट्वेंटी डिग्री ट्रेवल करेगा अभी और पार्टिकल वन जो है वो अभी 240 डिग्रीज ट्रैवल करेगा दैट्स व्हाई कोलिशन यहाँ होगी तो ये होगी गई सेकंड कोलिशन दिस इज व्हाट सेकंड कोलिशन दैट वाज फर्स्ट कोलिशन अभी सेकंड कोलिशन के बाद वापस से इंटरचेंज होगी वेलोसिटीज बिकॉज़ क्यों अभी भी इलास्टिक कोलिशन है तो क्योंकि ये पार्टिकल 1 था हमारे पास एंड ये पार्टिकल 2 था पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 2v थी तो अभी वो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी टू वी और जो फर्स्ट पार्टिकल है अगेन उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी थी यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी वी सेकंड पार्टिकल की टू वी तो अगेन अब वो सेम सिनेरियो हो जाएगा क्योंकि एक बार कॉलेशन के बाद इंटरचेंज हो गया तो दोबारा कॉलिशन के बाद वापस से जब इंटरचेंज होगा तो इनिशियल वाला केस ही हो जाएगा तो अभी अगेन क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल है हमारे पास उसकी वेलोसिटी वी है और सेकंड पार्टिकल है हमारे पास वेलासिटी टू वी है तो फर्स्ट पार्टिकल 120 डिग्री ट्रैवल कर पाएगा और सेकेंड पार्टिकल 240 डिग्री ट्रैवल कर पाएगा लाइक like दिस तो ये अभी ऐसे 240 डिग्री ट्रैवल करेगा सेकंड पार्टिकल एंड फर्स्ट पार्टिकल ऐसे 120 डिग्री तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली कि यहां से इस बेसिकली पॉइंट को आप सी मान लो सी पॉइंट से जैसे ही ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे दोनों पार्टिकल्स तो वापस से ए पॉइंट पे आके कॉलिशन होगी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज देखो इस पॉइंट से फर्स्ट पार्टिकल जो है 120 डिग्रीज कर पाएगा बिकॉज उसकी वेलोसिटी है और सेकंड पार्टिकल यहाँ से 240 फोर्टी डिग्रीज ट्रेवल कर पाएगा बिकॉज वेलॉसिटी टू वी है और जब ऐसा दोनों करेंगे तो वापस से ए पॉइंट पे कॉल्यन होगी बिकॉज वो दोनों उतनी ही एंगल की दूरी पे है फर्स्ट पार्टिकल वन ट्वेंटी डिग्रीज एंगल की दूरी पे है फ्रॉम द पॉइंट ए एंड सेकेंड पार्टिकल टू फोर्टी डिग्रीज एंगल की दूरी पे है फ्रॉम द पॉइंट ए तो दैट्स वाई सिर्फ दो ही कोलेशन हो पाएंगी उससे पहले कि पॉइंट ए पे वापस से कोलेशन हो

सो दी करेक्ट आंसर इज टू होप करता हूँ गाइ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है बट मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी यूज किए जैसे इलास्टिक क्वेश्चन के बाद विलोसी इंटरचेंज हो रही है तो उसको मैंने पहले बताया तो आप पहले के लेक्चर्स अच्छे से देखना उसको रिवाइज करना तभी तो आपको क्लियर होगा कि ये मैंने कैसे बताया तो गाइज अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर